देश प्रदेश में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर किसान महापंचायतों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा रखी है और एक के बाद एक राजनीतिक पार्टियों का महापंचायतों के जरिए मैदान में कूदने का सिलसिला भी जारी है। जयंत चौधरी और प्रियंका गांधी के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी किसान महापंचायत के जरिए उत्तर प्रदेश के सियासी अखाड़े में कूद पड़े हैं। केजरीवाल ने केंद्र सरकार को झूठा बताया और गन्ने के भुगतान को लेकर सीधा हमला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला। सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मेरठ में महापंचायत की शुरुआत किसान नेताओं महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह की तस्वीरों पर फूल चढ़ाकर की। जाहिर है किसान राजनीति में इन दोनों की अहम मालूम है। वैसे यूपी में आम आदमी पार्टी के ना के बराबर जनाधार के बावजूद केजरीवाल की किसान महापंचायत में जबरदस्त भीड़ दिखी। उन्होंने कृषि कानूनों को निशाना बनाया। शहर मेरठ था और राज्य यूपी, तो अरविंद केजरीवाल ने सीधा हमला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला। केंद्र सरकार के मंत्री घूम घूम के कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, कह रहे हैं ना, चारों तरफ टीवी में रोज सुनते हैं जी। एक मंडी उत्तर प्रदेश की बता दो जिस पे एमएसपी पे धान उठता हो या एमएसपी पे एक भी फसल उठती हो। मैं भी देख के आऊंगा, हम सारे चलेंगे देखने। नहीं उठती वो मंडी देखने चलेंगे जहां पे एमएसपी पे फसल उठती हो। कि झूठ क्यों बोलते हो तुम, सुबह शाम झूठ बोलते हैं, एमएसपी थी एमएसपी रहेगी। अरे कहां एमएसपी दिखा दो, कहां एमएसपी पे धान उगती है, मिलती उठती है। आम आदमी पार्टी पहले ही यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल भी मेरठ में आम आदमी पार्टी का चुनावी एजेंडा तय कर गए। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार आई तो गन्ना किसानों का भुगतान मिल से निकलते ही कर दिया जाएगा। जिस दिन उत्तर प्रदेश में अच्छी नीयत वाली सरकार आ गई, भाई साहब मैं कह के जा रहा हूं, इधर आप अपने ट्रैक्टर से मिल के अंदर गन्ना छोड़ के आओगे, घर पहुंचोगे उसके पहले आपके खाते के अंदर अरविंद केजरीवाल, और ये गारंटी है, ये गारंटी है, ये हो सकता है कि आप अपने गन्ने को छोड़ के आओगे मिल के अंदर, घर पहुंचोगे उसके पहले आपके खाते के अंदर पैसा आ जाएगा। सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल मार्च में ऐसी और भी किसान महापंचायतें पंजाब और यूपी में करेंगे। आम आदमी पार्टी ने अपना दिल्ली वाला मॉडल यूपी में भी लोगों के सामने रखा है। बिजली मुफ्त देने की बात कही है और साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा जो गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा है, उन्होंने कहा है कि एक दिन के अंदर गन्ने किसानों का भुगतान वो करेंगे अगर अच्छी नीयत की सरकार आई, जिसका इशारा खुद आम आदमी पार्टी की तरफ है। सहयोगी अशोक माले के साथ मेरठ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। यूपी में चुनाव में तो थोड़ा वक्त है, लेकिन जिस तरह की सियासी हलचल हो रही है लगता है वहां पर भी चुनाव इसी साल हो जाएंगे। लेकिन क्या ये जो अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे, इस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल एक तरह से आम आदमी पार्टी ने फूंक दिया है? इस सवाल को पूछा हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से। सुनते उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरठ में है किसान महापंचायत खत्म हो गई है और अरविंद केजरीवाल ने एक चुनावी वादा भी कर दिया है। संजय सिंह जी, चूंकि आप प्रभारी हैं, राजनीतिक सवाल आपसे पूछते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अच्छी नहीं है सरकार बनी, तो बिजली के बिल यहाँ पर माफ होंगे, गन्ने का भुगतान गन्ने किसान के घर पहुंचने से पहले हो जाएगा। तो क्या आज से चुनाव प्रचार का ऑफिशियली आप लोगों ने आगाज कर दिया है यहाँ से? देखिए, गन्ना किसान का भुगतान तो होना ही चाहिए, तो यही बात दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कही है कि घर पहुंचने से पहले गन्ने का भुगतान हो जाएगा। ये इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक एक किसान की मांग है, और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के किसानों की मांग है कि उनके गन्ने का दाम उनको मिलना चाहिए, धान का दाम मिलना चाहिए। क्या ये चुनावी वादा नहीं है? क्या ये चुनावी वादा नहीं है संजय सिंह जी? राजनीतिक सवाल आपसे। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता अगर आपको सत्ता में मौका दे तो आपको जनता के लिए काम करना चाहिए, अच्छी नीयत से काम करना चाहिए। वही बात केजरीवाल जी ने कही। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिजली के बिल माफ होंगे, ट्यूबवेल के लिए जो 25,000 रुपए दिए जा रहे वो माफ होंगे, तो सीधे सीधे चुनावी बात करके गए संजय सिंह जी। देखिए, ऐसा है कि हमने जो काम दिल्ली में करके दिखाया है, कोई गलत काम किया हो तो आप बताइए, और अगर हमने कुछ अच्छा काम किया है तो उसकी चर्चा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को क्यों नहीं करनी चाहिए?
उधर एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में किसानों की महापंचायत जो है वो लगातार जारी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के शामली में किसान महापंचायत में कहा कि किसान अपने ट्रैक्टर में ईंधन भरवा कर रखें, किसान आंदोलन में दिल्ली से कभी भी बुलावा आ सकता है। टिकैत ने यह भी कहा कि विधायक और सांसद अपनी पेंशन छोड़े। टिकैत ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। दिशा निर्देश कर रहे हैं कि तैयार रखो, कभी भी दिल्ली की कॉल हो सके ट्रैक्टर में तेल भरवाकर तैयार रखना, कभी भी जाना पड़ सके। वे गांव के लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है उनकी पेंशन बंद होगी, विधायक और एमएलए की पेंशन नहीं। गांव के लोग ये चाह रहे हैं कि भाई जिसको हम वोट दे रहे हैं वो क्या हमारे लिए पेंशन भी छोड़ देगा? जो जवान है उन्होंने पेंशन छोड़ दिया पूरी, गैस वालों ने गैस के सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी। क्या एमपी एमएलए जितने हैं ये अपनी पेंशन छोड़ देंगे? तो गांव के लोग तो कह रहे हैं कि भाई हम तो वोट उसको देंगे जो पेंशन छोड़ देगा। श्रीनगर के मशहूर कृष्णा ढाबे में हुई आतंकी वारदात में घायल हुए आकाश मेहरा ने आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है, लोग दहशत में भी हैं और सुरक्षा को लेकर उनमें नाराजगी भी है। हत्या के विरोध में बाजार में दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी बंद रखी। सियासी हस्तियों ने भी मौत पर अफसोस जताया है और उधर पुलिस का कहना है कि हमले में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नजीर मसूदी की रिपोर्ट। एक आतंकी हमले में बुरी तरह घायल आकाश मेहरा ने 11 दिन बाद दम तोड़ दिया। उसे श्रीनगर में शाकाहारी खाने के लिए मशहूर कृष्णा ढाबे के भीतर गोली मारी गई। वो ढाबा मालिक का बेटा था। ये हमला तब हुआ जब 22 देशों के विदेशी राजनयिक कश्मीर की हालत का जायजा लेने के लिए शहर में थे। मेहरा की मौत की खबर फैलते ही दुर्गानाथ बाजार की दुकानें हत्या के विरोध में बंद हो गई। मिलनी चाहिए, क्या पता है आज उनके साथ क्या कल हमारे साथ हो जाएंगे। तो लेकिन ये हमें पता नहीं ये कौन है क्या है, ये अल्लाह जानता है। लेकिन जो हुआ गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ, इंसानियत के ऊपर गलत हुआ। मासूम बच्चा है, 22 साल का बच्चा है, इसने क्या किया? ये भी पढ़ रहा है बेचारा, और आज भी मार्केट बंद रहेगा, कल भी मार्केट बंद रहेगा यहाँ। पुलिस के मुताबिक हमले में 3 लोग शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हमले का मकसद विदेशी राजनयिकों के दौरे के समय अशांति फैलाना था। इस मौत का मातम पूरे कश्मीर में दिखा। सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक समूहों ने इनकी सख्त निंदा की। पिछले 2 महीनों में श्रीनगर शहर में यह दूसरा ऐसा वाकया है। इससे पहले भी एक ताजर की हत्या की गई अपनी ही दुकान पर, मिलिटेंटों ने उससे गोली मार दी। उसके बाद ये इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल की थी जिसकी वजह से यहाँ वो जमीन खरीद सकता था और उसका मालिक बन सकता था। आज दुर्गानाथ में जो दुकानदार है उन्होंने हड़ताल की, उन्होंने कहा 2 दिन वो दुकानें बंद रखेंगे ताकि जो आकाश मेहरा का जो कत्ल हुआ उसके खिलाफ वो विरोध कर सके। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। श्रीनगर में लेह हाईवे को 58 दिनों के बाद आखिरकार खोल दिया गया है। भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से ये सड़क बेहद अहम है। कश्मीर और लेह के बीच में ये एकमात्र सड़क है। सुरक्षा बलों और लेह के लोगों के लिए भी आर्थिक रूप से ये सड़क बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है।